कृतिका है मन्नू भंडारी जी, मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई। दो कलाकार में दो पात्र है, अरुणा और चित्रा। चित्रा ने बहुत ही क्या है चित्रकला में अपनी निपुणता दिखाते दिखाते वो ऊंची शिखर पहुंच चुके थे और ज्यादा और चित्रकला में ज्यादा ऊपर जाने के लिए और ज्यादा सीखने के लिए वो विदेश जाने के लिए इच्छा करती थी। और अरुणा और चित्रा में दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और अरुणा ने अपनी समाज सेविका में उन्होंने अपनी को बहुत सारा सम्मिलित होकर और ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए वो बहुत ही इच्छा करती थी। उसके बावजूद क्या हुआ है आगे, उन्होंने हॉस्टल में रहकर वो दोनों को चिट्ठी आई थी उसकी पापा से और उनकी भाई से चिट्ठी आई थी। वो उस अपनी पढ़ाई समाप्त होने के बाद वो उधर से विदाई देकर बाहर जाने के लिए चाहते थे। आगे क्या हुआ आज हम देखेंगे। पेज नंबर 66। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। चित्रा ने उसकी अरुणा की बात को सुन सुनकर वो हंस पड़ती है क्योंकि वो झंडा उठाकर समाज सेवा के कार्य में जाने के लिए उसके साथ बात कर रही चित्रा के साथ, इसलिए वो हंस पड़ी है। और आगे क्या होता है देखो, 3 दिन से मूलधार वर्षा हो रही थी, मूसलधार वर्षा हो रही थी, उसका अर्थ है लगातार वर्षा होना हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा की तमने का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि वर्षा कम ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो वर्षा लगातार वर्षा होता ही जा रही थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। अरुणा ने समाज सेविका कार्य में सम्मिलित होकर उन्होंने चंदा इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों की लोगों की पहुंचने की वो चंदा इकट्ठा करने के काम में लगातार वो उसमें व्यस्त है। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इस्तेहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। चित्रा कहती है, आप क्या कर रही है, लिखना पढ़ना सब कुछ बंद करके सारा दिन आप भटकते उधर जाना, चंदा इकट्ठा करना, समाज सेविका कार्य में आप सम्मिलित होकर आप ना आपकी ध्यानी नहीं दे रहा है। इस तरह चित्रा ने अरुणा से कह दिया। माता पिता क्या सोचेगी कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहा। आप आपकी पढ़ाई के लिए माँ बाप तो पैसे खर्च कर रहे हैं, माँ बाप क्या समझेगा। आज शाम को स्वयं सेविका को एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल ने अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वहां लौटी तो उसकी हालत काफी कष्ट हो रही थी। सूरत इसे निकल आई थी मानो जहां महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। 15 दिन तक अरुणा ने चंदा इकट्ठा करने में लौट जाई थी और उसकी इंतजार में उसकी प्रतीक्षा में चित्रा ने देख रही थी। वो 15 दिन के बाद वो लौट आई थी। उसकी चेहरे देखा तब क्या है बहुत ही सुस्त जैसा लग रही थी। उस समय गुरुदेव के पास चित्रा ने गई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लौटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्र की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वहां अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। चित्रा ने 15 दिन में वो घर में नहीं था, वो हॉस्टल में नहीं था,
रूम में नहीं था, उन्होंने तीन चित्रा ने तीन चित्र को बनाकर रखी थी। वो जाते टाइम अर्ना बाहर जाते टाइम इस चित्र के नजर अपने आप को देखी। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया, तय मतलब निर्णय। चित्रा ने अरुणा को कह दिया, आपका जाने का निर्णय हो चुका है क्या? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। अरुणा ने चित्रा से कह दिया, आपकी जाने का निर्णय हो चुका है। वो कहती है, हाँ सहेली, मेरा बुधवार के दिन मेरा हिंदुस्तान से, इंडिया से बाहर जाने के लिए, चित्रा चित्रकला में और अभिवृद्धि पाने के लिए मैं जाने का निर्णय ले चुका हूँ। उल्लास उसके स्वर में झलक पड़ रहा था, चित्रा के स्वर में उनकी जाने की इच्छा का झलक पड़ रहा। सच कह रही है तू, चली जाएगी चित्रा, जहाँ साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी, उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछा रही हो। कितना स्नेह था दोनों में, सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। अरुणा और चित्रा के दोनों में इतना घनिष्ठ मित्रता था, हॉस्टल में दूसरे सहेलियां भी उसकी मित्रता को देखकर वो ईर्ष्या की जिगुप्सा की भावना से उनको देखती थी। आज चित्रा को जाना था, अरुणा सवेरे ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई, बस गुरु जी से मिलना रहा था, सो उनका आशीर्वाद लेने चली गई। चित्रा ने हॉस्टल से विदाई देकर जाना था। इस तरह वो एक एक को मिलकर, एक एक हॉस्टल की सहेलियों को मिलकर, वो बाकी गुरुदेव को मिलना बाकी रह गई। उसको आशीर्वाद लेने के लिए वो चली गई। 3 बज गए थे पर वहाँ लौटी नहीं, 5 बजे की गाड़ी से वहाँ जाने वाले थे। अरुणा ने सोचा, वहाँ खुद जाकर देखा आया कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करो, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। वो क्या है, गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए चित्रा ने चल पड़ी थी। वो सोच रही थी अरुणा ने अभी तक नहीं आया है, उसकी 5 बजे गाड़ी वो चलना था, अभी तक उन्होंने नहीं आया है। वो आते ही वो कहती है, चित्रा ने अरुणा से कहती है, क्योंकि इतना देर क्यों हुआ कि वो रुकना जरूरी है। वो बात क्या है आगे देखेंगे। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो 2-3 टंडा एक साथ बोलो। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारी बैठी रहा करती थी, ना लौटी तो देखा कि वह वही मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके भूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपनी को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। चित्रा ने कहती है, आशीर्वाद लेकर मैं बाहर आते समय वो एक स्टोर के सामने एक भिखारी के दो बच्चे, वो उसकी माँ मर चुके है, वो उसकी तड़प तड़प कर वो रो रहे थे। उसकी चित्र देखे तो हमको ऐसा लगा एक स्केच बना कर ही मैं लौटूंगी। इस तरह हमको देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे ढूंढने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी पर अरुणा न आई, सो न आई। वो चली गई है चित्रा ने, वो अरुणा नहीं आया।
उसकी विदाई देने के लिए वो नहीं लौटी। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उनकी कला को निखर दिया। विदेश में उसकी चित्रा की धूम मच गई। विदेश जाकर चित्रा ने अपनी चित्रकला में ऊंची शिखर तक वो पहुंच गई। अच्छी अच्छी चित्रों को लिखने में वो निपुण हो चुके थे। भिखारी और दो अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कलम के कलाम भर गए। शोहरतर के ऊंचे कंगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गए। पहले वर्षा तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। फर्स्ट वर्ष चित्रा ने विदेश पहुंचे तो चित्रा और अरुणा के बीच में पत्रों का व्यवहार था। बाद में उन्होंने अपनी व्यवहार में वो चित्रा ने अपनी व्यवहार में वो झुक गए हैं। वो अरुणा ने अपनी समाज सेविका में वो सम्मिलित होकर वो सभी भूल गए हैं अपने अपने कामों की वजह से। फिर काम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले एक साल से तो कुछ भी मामूल नहीं कि वह कहाँ है। उनकी प्रतियोगिता में उसका अनाथ शिशिका वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका है। वो क्या है, चित्र बनाया था ना, वो एक रफ कॉपी बनाया था ऑस्ट्रेलिया से लौटते समय। वो क्या है, भिखारी वो उसकी दो बच्चे तड़प तड़प कर वो रो रहे थे। उसका चित्र उदेश में बहुत ही ऊंचे शिखर तक पहुँच कर उसकी वजह से उसका पुरस्कार मिला था चित्रा को। जन क्या था उस चित्रा में जो देवता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वो अब भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। चित्रा 3 साल के बाद वो विदेश से वापस स्वदेश आई तो उसका बहुत ही सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे, अनेक उसके जीवन पर अनेक लेखों अनेक लिखे गए। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। बिटिया की इस सफलतापूर्ण काम पर माँ बाप को बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दिल्ली में इसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। चित्रकला प्रदर्शन में एग्जीबिशन में चित्रा को ही उसका उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। उस प्रदर्शनी में अरुणा और चित्रा को 3 साल के बाद उस दोनों का भेंट होती है। रोनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। उसको देखते ही चित्रा ने अपने गले लगाकर उसके प्यार कर लिया। तुझे कम से चित्रा देखने का शौक हो गया रोनी, इस तरह चित्रा ने उसको मजाक करती है फिर से शुरू किया है। रोनी कहकर अरुणा ने अरुणा को संबोधित करती है चित्रा ने। आपको कब से चित्रा देखने की शौक मिली है। चित्रा को नहीं, चित्रा को देखने आई थी तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं, दो प्यारे से बच्चे अरुणा से साटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। एक 10 साल के लड़के और एक 8 साल की लड़की को वो पालन पोषण कर रहे थे अरुणा ने। वो समाज सेविका में जुड़ी थी ना, इसलिए चित्रा उसको देखते ही गले लगाकर उसके साथ बात करने लगी। वो किसकी बच्चे थे, मेरे बच्चे थे, वो कहती है अरुणा ने, वो मेरे बच्चे थे। और किसके, ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, वो कहती है अरुणा ने, वो चित्रा मौसी है, उसको नमस्ते कहो। अपनी मौसी को अरुणा ने आदेश दिया, अरुणा ने आदेश दिया मौसी कहो। बच्चों ने
बड़े आदर से नमस्ते किया। पर चित्रा आपका होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें दिनी की बनाई हुई है। वो प्रदर्शनी एग्जीबिशन रखे है ना, अरुणा ने उनको उन दोनों को बच्चों को समझाती है। वो क्या है, सभी तस्वीरें चित्रा ने आपकी चित्रा मौसी ने बनाया है, अच्छे अच्छे तस्वीरें ने बनाया है। आप हमें सब तस्वीरें दिखाए मौसी, बच्चे ने फरामर्श की। चित्रा उन्हीं तस्वीरों दिखाने लगी, घूमते घूमते वे उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने हाँ पहुंची। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। वो चित्रा ने कहती है, वो सभी तस्वीरें देखते देखते वो भिखारी का एक चित्र स्केच बनाकर वो लौटी थी ना, उस भिखारी के चित्र के सामने वो आकर खड़ी हो गई रूनी के साथ। वो चित्रा ने कहती है, मैं ये स्केच बनाई दिया ना भिखारी, वो उसकी दो बच्चे, उसका एक चित्र पर हमको विदेश में बहुत ही ऊंचे शिखर तक पहुंचकर उसके हमको पुरस्कार भी मिला है। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी, तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। वो उस तस्वीरों को देखकर बच्चे ने रो पड़ी, उसकी माँ मरी गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते कि अपने बड़प्पन और ज्ञान की चाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी, बालिका का स्वर करुणा से करुणतर होता जा रहा था। वो दोनों बच्चे इस तस्वीरों को छाया चित्र को देखकर रो 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 रही थी, आंसू उसका स्टॉप नहीं हुआ। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की परियों की। वो उसकी चित्रा को कहती है, और इसके बिना और तस्वीरों को आप दिखाओ चित्रा मौसी। उस तरह बच्चों ने चित्रा से पूछे। उस तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। अरुणा का पति देव हस्बैंड आया है। उसी साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उसके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। वो अरुणा ने अपने पति को उस दोनों बच्चों को उसके साथ सवार करके, आप क्या करो उस दोनों बच्चों को और ज्यादा तस्वीरों को चित्र को दिखाकर आप प्रसन्न कराओ, मैं चित्रा को लेकर घर पहुंचूंगी। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हीं देखती रही, जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसके पूछा, सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चों किसकी है। वो घर लौटते ही अरुणा के साथ चित्रा ने बात करके पूछती है, रूनी, रूनी मतलब अरुणा है, रूनी सच सच बताओ वो दोनों बच्चे किसका है। कह तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बात ना मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुक कर अरुणा ने कहा, बात दो। और फिर उस भिखारी वाले चित्रा के दोनों बच्चे पर उंगली रखकर बोले, यही वे दोनों बच्चे हैं। वो उस चित्र के पास ले जाकर वो हाथ रखते हुए कहती है अरुणा ने, वो दोनों बच्चे ही क्या है, वही बच्चे हैं। क्या चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए, क्योंकि वो क्या है, वो इस चित्र में, वो स्केच बनाए हुए चित्र में, वो दो भिखारियों की, वो दो बच्चे हैं ना, उस
बिकार इनके दो बच्चों को आप पालन पोषण किए है। इस तरह चित्रा के मन में बात ही नहीं उठे। इस तरह अरुणा को अपनी विस्मय आंखों से उनको देखते देखते क्या है इस कहानी का समाप्त हो जाती है। आपको बच्चों उम्मीद है कि क्या है इस दो कलाकार मन्नो भंडारी के द्वारा लिखी गई एक छोटा सा कहानी है आपको समझ में आया है। थैंक यू।